VConnect welcomes you to our newly introduced segment, Foodalicious. And this week, we promise you to make our recipes much more simpler for you to try at home. So come, let's check it out. Iftar is an important ritual during Ramadan, and today on Foodalicious, we share with you some exciting recipes with our chef, Bishnu. Hi, chef, how are you? Good. Chef, tell us, what are we going to be doing today? मैं तीन रेसिपी बना रहा हूँ इफ्तार के लिए. पहला तो मैं बना रहा हूँ डेट मिल्क शेक बना रहा हूँ जी. उसके बाद में मैं मुर अंगारे टिक्का बना रहा हूँ. उसके बाद में मैं मोती चूर के लड्डू बना रहा हूँ, जो डेजर्ट में बना रहा हूँ. बिल्कुल, तो चलिए पहले रेसिपी शुरू करते हैं. पहले रेसिपी शुरू करते हैं डेट मिल्क शेक के, मिल्क शेक से. इसमें पहले से हम, ये दूध है हमारा जी, तो दूध हम डालेंगे. फिर शुगर सिरप है जी, और ये डेट्स हैं हमारे, जो फ्रेश डेट हैं. हम आइस डाल रहे हैं, ठीक है, 4-5 क्यूब आइस जी. 200 ml दूध है, 30 ml शुगर सिरप है जी. 5 हमारे डेट्स हैं, 5 नंबर्स जी. तो अब इसको हम ब्लेंड करेंगे. ये रेडी हो चुकी है आपके डेट मिल्क शेक जी. अब हम इसको इस ग्लास में हम इसको सर्व करेंगे जी. ये भी आपका डेट मिल्क शेक रेडी है. बिल्कुल, अ हेल्दी ड्रिंक फॉर इफ्तार. चलिए शेफ, बताइए कि दूसरा रेसिपी कौन सा है. दूसरा रेसिपी मैं बनाने जा रहा हूँ मुर टिक्का अंगारा. हमारे इंग्रेडिएंट यहाँ पे रखे हुए हैं, ये चिकन है, जो बोनलेस चिकन है, लेग बोनलेस है, और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये गार्लिक चॉप है, ये चिली पाउडर है, ये चिली पेस्ट है, ये सॉल्ट है, ये बेसन है, और ये लेमन ग्रेजेस है. तो हम पहले इसको, इसका मैरिनेशन करते हैं. हम लोग मैरिनेशन कैसा करना है इसको, ये चिकन जो हम इस बॉल में डालते हैं इसको, और इस पे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे थोड़ा सा जी. फिर इसमें थोड़ा हम सॉल्ट डालेंगे जी. उसके बाद हम थोड़ा लेमन जूस इसमें इसके अंदर डालेंगे. अच्छी तरह से आप मिक्स कीजिए इसको, कि सॉल्ट लगेगा और लेमन जूस भी इसके अंदर जाएगा और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी जाएगा. तो इसको आप 5 मिनट के लिए आप इसको साइड में रखिए. अभी इसका हम लोग मसाला बनाने जा रहे हैं जी. इसका मसाला का प्रोसीजर ये है, पैन को गर्म करेंगे, उसके बाद में हम तेल डालेंगे इसके अंदर जी. थोड़ा इसको गर्म होने देंगे. जैसा ये थोड़ा गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें गार्लिक चॉप डालेंगे, ताकि थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए. अब ये ब्राउन होने को आ गया है. और अभी इसमें हम डालेंगे बेसन, जो आपका ये कम से कम 30 ग्राम इसके अंदर हमने बेसन डाल दिया. अभी इसको अच्छी तरह से मिलाइए बेसन को. जैसा बेसन होने को थोड़ा सा ब्राउन हो जाए जी. आमतौर पे बेसन जब डाला जाता है तो फटता है, तो उसको क्या हमेशा मिलाना रहना चाहिए? हाँ, क्योंकि वो अगर आप इसको नहीं मिलाएंगे तो एक गिठलियाँ हो जाएंगी इसकी जी. बिल्कुल, इसके लिए इसको थोड़ा सा हिलाते रहना चाहिए. इसमें अब हम थोड़ा सा चिली पाउडर डालेंगे जी. अंगारा मीन्स थोड़ा सा स्पाइसी, अंगारा का नाम है, स्पाइसी है ये, स्पाइसी डिश है ये जी. तो अगर आपको चाहिए तो आप इतना स्पाइसी नहीं डाल सकते इसके अंदर, कम कर सकते हैं इसके अंदर. अब आपको, हाँ, कलर पकड़ लिया. ऑलरेडी आपका नमक मैरिनेशन में है हाँ? और थोड़ा सा आप फिर से इसमें नमक डालिए थोड़ा सा, तो उसमें संभल के नमक. हाँ, संभल के नमक डालना, कि ज्यादा ना हो जाए. अब ये आपका मसाला इसका रेडी है जी. इसके बाद हम जो मैरिनेशन चिकन है जी, इसको फिर से यहाँ पे डालेंगे इसको, और थोड़ा देर इसको इस मसाले के साथ भुनेंगे इसको. अब ये मसाला पूरा मिल चुका है इसके अंदर, और ये बेसन भी इसके अंदर ये हो चुका है. अब इसको हमको वापस निकाल के इस बॉल में डालनी है हमको जी, ताकि थोड़ा सा अब इसको ले जाके हमको तंदूर ओवन है हमारा, उसमें जाके हमको इसको ये करना है. ये हो चुका है,
जी। खोने के बाद आप ये जो सरिया है जी, इस पे हमको इस तरह से लगानी है, ऐसा करके इसको पॉपुली इसको इसको ऐसा करके लगाना है चिकन को। अब ये चिकन सरिया पे लग के रेडी है और हम लोग अभी तंदूर में जा रहे हैं इसको डालने के लिए, ग्रिल करने के लिए। और ग्रिल करना है तो सपोज आप लोग के घर पे तंदूर नहीं है तो आप लोग इसको ग्रिलर में कर सकते हैं और ओवन में कर सकते हैं। अच्छा शेफ, ये तो तैयार हो गया जी। ये तैयार हो गया, हमने ओवन में तंदूर में पका के लाया है अभी, ये रेडी है। आपको मैं सर्व करके बताता हूँ इसको कैसा सर्व करना चाहिए। इसको इस तरह से तंदूर से निकालना चाहिए, सरिये से निकालना चाहिए इसको। इस तरह से जो गार्निश करेंगे इसमें एक लेमन बेस आएगा इसके ऊपर। ये रहा आपका मोर अंगार टिक्का रेडी। थैंक यू। और ये रहा आपका तीखा और चटपटा स्नैक फॉर योर इफ्तार। बता दीजिए कि अब मीठे में हम क्या बनाने जा रहे हैं। जी, मीठे में हम मोतीचूर के लड्डू बनाने जा रहे हैं। मोतीचूर बनाने के लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट ये आगे रखे हुए हमारे जी, ये बेसन है, ये सैफ्रन है, ये कैसनट है और ये किशमिश है। बिल्कुल। तो ये किशमिश और कैसनट जो है ये हम जो गार्निश में डालते हैं ये बाद में डालते हैं जो मोतीचूर बनने के बाद। तो पहले हम इसका डो बनाते हैं। डो किस तरह से बनाते हैं, ये बेसन जो है हम इस मिक्सिंग बाउल में डालेंगे हम इस तरह से। इसको डालने के बाद हम पानी डालेंगे इसमें। ना पतला ना गाढ़ा होना चाहिए इसका बैटर। तो अभी ये रेडी है आपका जो मोतीचूर का लड्डू का जो बैटर रेडी है जी। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे। अभी हम गैस को चालू करेंगे जी। अभी तेल गरम हो गया, हम लोग बूंदी इसको तलते हैं बूंदी को। और ये जो आप तलने के लिए ले रहे हैं जी हाँ, ये स्टैनर है जो बूंदी के स्पेशली बूंदी के लिए आता है ये। कि जो मोतीचूर के लड्डू हम लोग बाहर से खाते हैं ये एक्चुअली इस तरह बनता है जी, इस तरह से बनते हैं। ओके। तो एक साइज के निकलते हैं छोटे छोटे जी। हाँ, अभी ये बूंदी अभी तैयार हो चुके हैं जी। अभी हम इनको निकाल के चाशनी में डालेंगे। ये चाशनी है, ये बूंदी को आप इसके अंदर डाल दें। अब ये थोड़ा दो मिनट के लिए इसको रखिए इसके अंदर। तो आप इसको हम वापस बॉल में डालेंगे जो हम इसको मोतीचूर के लड्डू जो बांधेंगे इसको। शेफ, मेरे ख्याल से अब ये बूंदी जो है ठंडे हो गए, अब इसे आप बाइंड कर सकते हैं। जी, अब ये ठंडे होके आ चुके हैं, इसको हम बाइंड करके बताते हैं मोतीचूर के लड्डू कैसे बाइंड किए जाते हैं जी। अब इस तरह से इनको लिए, इस तरह से कीजिए इसको मतलब स्मूथली, और जोर से करेंगे उसका रस जो बाहर निकल जाएगा। ओके। तो दोनों हाथ से आप ऐसे कर सकती हैं इसको स्मूथली। ध्यान रहे कि इसका रस नहीं निकलना, रस नहीं निकलना। अगर जोर से आप इसको दबाएंगे तो इसका रस जो है बाहर निकल जाएगा, तो फिर इसमें कुछ रस नहीं रह जाएगा। ये सब के लिए रेडी है, ये आपका मीठा इफ्तार के लिए।
enjoy your iftari the Z Connect way. Answer a simple question: which is the laddu made by our chef? SMS your answers on 7575. Until next time, it's a goodbye from Foodalicious. It's all said and done. It's real and has been awesome fun. Your weekly connections and our weekly rendezvous only here on Z Connect Season 2. So until next week, my lovely people, stay connected and keep watching Z Connect Season 2. Are you connected? And remember, as I always say, it's all about connection.